बार फिर से ले चलते हैं मैदान के बीच में सभी दर्शकों के साथ, सभी मान्यवरों का इस मैदान पर स्वागत। डे नाइट का ध्रुव ट्रॉफी का आयोजन ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चर क्लब द्वारा एक बड़ा शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का, और जितना भी शायद धन्यवाद देंगे दीपक जी कलंगुटकर को वो काफ़ी कम होंगे, उनके पूरी टीम को जो कि इस आयोजन के बारे में चर्चा रहेगी इस प्रतियोगिता की। और ले चलते हैं मैदान के बीच में, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला मैदान पर पेडनेम टाइटन क्रिकेट टीम का, और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया केपीएम नाइट्स क्रिकेट टीम को। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर केपीएम नाइट्स क्रिकेट टीम की, और देखना होगा पहला मैच जो कि खो चुके हैं पेडनेम टाइटन क्रिकेट टीम, ये मैच किसी भी हालत में अपने घर के मैदान पर घर के दर्शकों के सामने जीतना पड़ेगा इस मैच को। और दूसरी ओर से जबकि केपीएम नाइट्स क्रिकेट टीम की ओर से ओपनिंग जोड़ी मैदान पर प्रथमेश पवार, अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, खेल की शुरुआत होने का पहले ओवर की पहली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से अंडर 22 का खिलाड़ी गौरेश नागवेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर, पहले मैच में एक शानदार गेंदबाजी, अपने बॉलिंग रनअप पर 7-8 कदमों का छोटा रनअप दाईनाथ से ओवर द विकेट और सामने स्ट्राइक इन पर। अच्छी गेंद इस बार, सम्मानजनक खेला, सामने खेला बिल्कुल, अपने फॉलो थ्रू में आते गेंद को उठाते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। गौरेश एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग रन पर, आड़े बल्ले से इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, थोड़ी सी हवा में गेंद लेकिन लो मैन स्लाइड में डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन पूरा करने का। ऐश्वर्य सुर्वे आज कुछ बदलाव दिखाई देता हुआ बैटिंग ऑर्डर में, गौरेश बढ़िया गेंद, अच्छी कीपिंग, विकेट के पीछे स्क्वायर लेग के अंपायर की ओर नजर डालते हुए शानदार विकेट कीपिंग, और साथ साथ यहां पर ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चर क्लब के ट्रेजरर आदरणीय शेखर पारसेकर और उनके साथ आदरणीय विनोद फड़के, जिनसे द्वारा यहां पर जो कि सम्मानित किया जा रहा है वरुण अरुण जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी 23 गेंदबाज भारतीय टीम के, उनको यहां पर जो कि सम्मानित किया जा रहा है मान्यवर कक्ष में, और साथ साथ अगल बगल में काफी दर्शक, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत वरुण अरुण का इस कमेंट्री बॉक्स में के साथ से दर्शकों से। गौरेश राइट आर्म, अच्छी गेंद सर अंदर आते हुए बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद निकली शॉर्ट फाइन लेग पर, विकेट के पीछे फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को उठाते फील्ड करते, स्ट्राइक इन पर ऐश्वर्य सुर्वे और नॉन स्ट्राइकर इन पर उनके साथ विकी ब्रजेश उर्फ विकी और गौरेश गेंदबाजी पर। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल, 8 ओवर का मैच, टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई पेडनेम क्रिकेट टीम, फुल टॉस गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए।
हेलो हेलो हेलो, बहुत ही बढ़िया साउंड सिस्टम शिवानंद डीजे, साथ साथ यूट्यूब पर गौरव सावंत, उनके साथ कैमरामैन राकेश और मिलान और नील कमल डेकोरेटर्स कोल्हापुर, जिनके लाइट की व्यवस्था इस मैदान पर और शानदार आयोजन। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ सुरेश रैना मैदान और गेंदबाजी में देखना होगा परिवर्तन। बंड्या भगत प्रसाद उर्फ बंड्या भगत ऑप्टम से बाहर गिरने के बाद कट होकर और बाहर की तरफ निकले। वाइड बॉल का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से अंपायर का और एक रन स्कोर के खाते में, 7 रन पर टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ। थोड़ी सी हवा में शॉर्ट कवर पर फील्डर और शायद तालमेल में गड़बड़, निश्चित रूप से नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये बात मैदान पर रनआउट के रूप में पहला विकेट जो कि मिलता हुआ पेडनेम टाइटंस क्रिकेट टीम को। Thank you, DJ. Currently, Indian team is in Australia, and in 2014, when Varun Aran was a part of Indian team to Australia, he clicked 150.1 kilometers per hour at Adelaide, and the batsman facing him was Shane Watson. So he clicked 150.1 kilometers per hour speed, and that is a tremendous speed for Indian fast bowler. Please a loud of applause for Varun Aran. प्रसाद उर्फ बंड्या भगत दूर वाले छोर से शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर इस बार हवा में थोड़ा सा शॉर्ट वाइड स्कैली की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा गेंद को रोकते हैं या नहीं। बढ़िया फील्डिंग, शायद 7 दे रहे थे जो कि रिले थ्रो दिखाई देता हुआ मैदान पर और शानदार फील्डिंग। गौरेश नागवेकर बढ़िया फील्डिंग, अंडर 22 का खिलाड़ी इस मैच में, पहले मैच में शानदार गेंदबाजी और स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक बार फिर से प्रसाद उर्फ बंड्या भगत, अगली गेंद, यह गेंद अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में बिल्कुल करीबी मामला बन सकता था। विकेट कीपर के पीछे गेंद निकली, बैकअप कर रहे थे, फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते और एक बार फिर से धीरे धीरे अपने बोलिंग रन अप पर अगली गेंद लेकर ऐश्वर्य सूर्य स्ट्राइक लाना, स्ट्राइक एंड पर ऐश्वर्य सूर्य और नॉन स्ट्राइकर इन पर रुपेश गावकर। अच्छा शॉट, बिल्कुल बढ़िया शॉट, धोनी स्टाइल में एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ इस बार गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलते हुए 4 रन के लिए। हा बस तो ड्रो ट्रॉफी चौकार। अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद इस बार लेग स्टंप पर खेला, गेंद को ऑनसाइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, एक रन आराम के साथ बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, तब तक एक रन और एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पर पहुंचता हुआ एक विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता पहले फील्डिंग करते हुए पेडनेम टाइटंस और बल्लेबाजों को आमंत्रित किया केपीएम नाइट्स क्रिकेट टीम को। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जय भोसले, तुषार नाइक, राम घड़ेकर, स्कोरिंग की जानकारी अभिषेक नागवेकर और मैं अशोक नाइक आप सभी के बीच में। लेग स्टंप पर यह गेंद घूमकर मारना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, एक रन स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग करनी पड़ेगी मैच में पेडनेम टाइटंस क्रिकेट टीम को क्योंकि पहला मैच खो चुकी है।
फिर से बढ़िया गेंद, एक जोरदार अपील अंपायर की ओर, ऐसे के साथ अंपायर की सहमति, बिल्कुल विकेट को सामने पा गए, दूसरा धक्का लगा हुआ केपीएम नाइट्स क्रिकेट टीम को, और इसी के साथ जो कि ओवर की समाप्ति हुई, शिवानंद डीजे थोड़ा रुको, ओवर की समाप्ति होते हुए दूसरे दो ओवर के बाद टोटल स्कोर 15 रन दो विकेट पर, और ले चलते आदरणीय सम्माननीय वरुण वरण के साथ जो कि बातचीत हमारे तुषार नाइक जो कि उनके साथ यहां पर मुलाकात करते हुए। अंपायर प्लीज दो मिनट के लिए खेल रुको। Request Sir Varun Aaron sir, to say a few words regarding this organization and your experience for this wonderful floodlight tournament in Goa. Hello, I'm really honored to be here. Thanks a lot for inviting me today, and it's great to see cricket happening in such a big way in such a small place. And I wish like many cricketers from here go to represent Goa and maybe play for India one day. So all the best, and I hope this continues for a long time. Cheers. What are your tips to upcoming fast bowlers from Goa and India also? Sorry, I didn't hear you. A few tips for upcoming fast bowlers from Goan and Indian team. No tips as such. Just enjoy your game as much as possible, and when you see yourself doing well, just put in the hard work. Yeah, thank you very much. धन्यवाद तुषार, धन्यवाद वरुण अरुण, और ले चलते कमेंट्री बॉक्स में गेंदबाजी के बदलाव, ले चलते आगे का विवरण सुनाते हुए हमारे साथी कमेंटेटर जय भोसले के साथ। धन्यवाद वरुण अरुण, जो कि इस प्रतियोगिता के दौरान इस मंच के ऊपर उपस्थित, इस प्रतियोगिता की यही खासियत, इस प्रतियोगिता का जब आगाज हुआ था इस मैदान के ऊपर, तब इंटरनेशनल खिलाड़ी आए थे सुरेश रैना, और आज हमारा फिर एक बार सौभाग्य है कि आज फिर एक बार इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे बीच में है, तेज तर्रार गेंदबाज वरुण अरुण। उन्होंने कहा अभी अभी हमारे तुषार जी ने उनसे पूछा क्या टिप्स है आपकी गेंदबाजों के लिए, उन्होंने कहा एंजॉय करिए, एंजॉय करके खेलिए, क्रिकेट का मजा लूटिए, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है जो मुर्दों में भी जान डाल देता है। सागर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, लेग बिफोर के प्लेयर आउट, विकेट नंबर 3। जाईल तर त्याला मूर्खात काढलं गेलं असतं, मात्र या ठिकाणी दीपक कळंगुटकर, ध्रुव स्पोर्ट कप कल्चरचे सर्व सहकारी यांच्या मदतीने या ठिकाणी आज हा आयपीएलच्या धर्तीवर क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। निश्चितपणे या सर्व राबणाऱ्या हातांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहे। सागर पहली गेंद के ऊपर एक विकेट यहां पर चटका लेता है। अब नया बल्लेबाज मैदान के बीच में प्रथमेश पवार, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में का,
शॉट ऑफ डिलीवरी इस बार चॉप कर दिया यहाँ पर। निश्चित रूप से खेलना चाहते थे थोड़ा सा अपना खाता खोलकर यार, सिंगल के साथ अपना खाता खोला, नौस्ता गेंद के ऊपर चले गए। जानते हैं प्रत्यय महेश पवार इस मैदान के ऊपर टीके रहना बहुत जरूरी है, एक आध दो ओवर में अगर एक आध दो बड़े शॉट लग जाए तो आसानी के साथ आने वाले गेंदबाजों के ऊपर दबाव बन सकता है और दबाव में बल्लेबाजी करना बल्लेबाजी की खासियत मानी जाती है। फिलहाल तो सागर गेंदबाजी के लिए और अपनी फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में ताऊ के क्या धुआंधार बल्लेबाजी, छक्के चौकों के बरसात, मानो छठे ओवर में ही मुकाबले को समाप्त कर दिया था ऐसी बल्लेबाजी। आज थोड़ी सी ठंड कमी है, नमी कमी है और जिसके बदला चलते हुए आज बड़े टोटल के मुकाबले शाम के वक्त भी देखने को मिल रहे। अच्छी गेंद हल्की हाथों स्टेयर करना चाहो, वहां पर खिलाड़ी जरूर तैनात रन लेना चाहते, निकले थे जरूर प्रथमेश पवार लेकिन इन मौके के ऊपर अपने कदम को रोक है, वापस आए अपने पॉपिंग क्रीज में, रन लेने की शंका को समाप्त कर दिया। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, बीच बीच में जो भोपू बचता है ना वो IPL की याद दिलाता है। और आज मान्य और अतिथि कक्ष में काफी तादाद में मान्यवर उपस्थित, उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अच्छी गेंद कलाई के सारे खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के थोड़े से बाहर थी गेंद, जाने दे विकेट कीपर के हाथ में, बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर ने। और अच्छी गेंदबाजी, अब तक की अगर इस ओवर की बात की जाए तो शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है सागर। आउटस्टेशन प्लेयर, अच्छी गेंद इस बार खेल दिया, स्टीयर कर दिया पॉइंट और गली के बीच में से, थर्ड मैन की दिशा से खिलाड़ी आना चाहे तब तक खिलाड़ी फील्ड करे, सिंगल बनता हुआ और इस सिंगल के साथ काफी देर के बाद रन संख्या पहुंची 17 रन जो कि दो विकेट के नुकसान पर। सागर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, इस बार खेल दिया है कवर पॉइंट, बाउंड्री की दिशा से खिलाड़ी आए एक्स्ट्रा कवर से, गेंद को फील्ड करे तब तक मात्र सिंगल, काफी तेजी के साथ आए खिलाड़ी वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए सिंगल मात्र बना, ओवर मुकम्मल होता हुआ तीसरा और तीन ओवरों का खेल समाप्त होने तक रन संख्या है 6 के औसत से मात्र 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलते हैं सुमधुर डीजे की ओर। एक ध्रुव और काना बाकी, और जब तक अगर बात की जाए ना तो लगभग जिस तरह की बल्लेबाजी पेनम टीम में मौजूद है, यहाँ पर सामने वाली KPM टीम को लगभग 70-80 तक पहुंचना बेहद जरूरी इस शाम के वक्त। मैं तो कहूंगा अगर ये दोपहर का मुकाबला होता तो शायद मैं कहता कि आपको 100 का आंकड़ा मुकम्मल करना ही पड़ेगा, लेकिन अब इस शाम के वक्त इस रात की दूध से नहाया हुआ स्टेडियम इस रोशनी भरी इस मुकाबले के दौरान आपको 70-80 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी गेंदबाजों के लिए। अमीर सागवकर गेंदबाज, तेज गेंदबाज और कर लेंगे नल के हाथों से खेल दिया, हालांकि परिस्थिति निश्चित रूप से इन मौके के ऊपर इस्तेमाल कर दिया नो का, इसलिए बच गए। और क्रिकेट में अक्सर मैं बार बार कहा करता हूं, हमारे सभी कमेंटेटर कहते हैं तीन वर्ड इस्तेमाल होना बेहद जरूरी, एस नो और वेट। गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे प्रथमेश। इस बार अच्छी गेंद सलमान का, ऑनर ऑफ द स्टोक हल्के हाथों से खेल दिया गेंदबाज के नजदीक से, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, सिंगल बना, सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची जो कि 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत लेकिन यहां पर विकेट बचाकर खेलना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, जानते हैं यहां पर अगर बल्लेबाजी करनी है मैदान के ऊपर टिके रहना है तो रन बनाने में आसानी होगी, लेकिन इसके लिए आपको सेट होना पड़ेगा और इस फ्लड लाइट्स में बल्लेबाजी करना टेनिस बॉल के ऊपर उतना आसान नहीं बनता।
इस बार खेल दिया, उड़ा दिया होम गेंद, गेंद के नीचे खिलाने और ये आउट, विकेट नंबर 4। अशोक, इस प्रतियोगिता के बारे में और एक बात कहना चाहूंगा। हर बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हमने कई बार देखे, लेकिन पहली बार ऐसे स्टैंड बनाया गया है बैठने के लिए और उनको नाम दिया गया है हर एक खिलाड़ी का जिन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। ऐसा हमें अक्सर देखने को मिलता है वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर, ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर, चाहे क्विंसलैंड के मैदान के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के मैदान के ऊपर, जिनको स्टैंड के ऊपर खिलाड़ियों के नाम दर्ज लिखे जाते हैं। ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ पर पैदा कर, यही नई सोच है आगे जाकर हर एक प्रतियोगिता में हमें ऐसे स्टैंड देखने को मिलेंगे। उस एरिया में जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट के लिए योगदान दिया उनके नाम वहां पर भूतपूर्व खिलाड़ियों के लगते हुए नजर आएंगे और यही सोच है याद रखा जाएगा जमाना इस ऐसे प्रतियोगिता का। ऐसे प्रतियोगिता के लिए मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक जी कलंगुटकर और उनके तमाम साथियों को। सूरज नए बल्लेबाज मैदान के बीच में, इस बार यॉर्कर लिंग की गिर ऑफ स्टंप के ऊपर थी, खेल दिया जरूर वहां पर, खिलाड़ी तेजी के साथ आए राम नागवेकर वहां पर और सिंगल मात्र बना, सिंगल के साथ खुद का खाता खोला और टोटल रन संख्या पहुंची 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंदबाज की अगर बात की जाए, शानदार गेंदबाजी, ठीक ठाक गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हुए इस बार खेल दिया। फिर एक बार ऑफ कवर ड्राइव का बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर कवर की दिशा से आए, गेंद को फील्ड करें, सिंगल बनाने का पूरा मौका और सिंगल के साथ अब रन संख्या पहुंची 21 रन जो कि टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत कहेगी क्योंकि आधे ओवर लगभग समाप्ति के ओर अग्रसर होते हुए और शानदार गेंदबाजी, में तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाजों की जिससे कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला और सही ठहराते हुए नजर आ रहे गेंदबाज। फुल टॉस डिलीवर है, इस बार मौका था भाई मिड विकेट के दिशा में खेलने का, लेकिन खेला था स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ओवर मुकम्मल होता हुआ चौथा, यानी कि लगभग आधे ओवरों का खेल समाप्त, टोटल रन संख्या जो है 22 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर, 4 विकेट गंवाने के बाद औचित्य है ध्रुव ट्रॉफी 2018 आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये महत्वपूर्ण मुकाबला केपीएम नाइट्स वर्सेस पेरनेम टाइटंस के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला पेरनेम टाइटंस टीम का और अब तक आधे ओवरों का खेल समाप्त, 22 रन मात्र टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान पर, क्या होगा आने वाले समय में, किस तरह से घटता है मुकाबला, का गेंदबाजों का बोलबाला फिर एक बार पनपता है या बल्लेबाजी से प्रथमेश पवार का बल्ला आग उगलता है, ये बताने के लिए फिर एक बार ले चलते हैं गोवन अंग्रेजी कॉमेंटेटर तुषार नाइक के पास। धन्यवाद। 4 overs, 22 runs for the loss of 4 wickets, though there's a top order collapse here for KPM, but they need a partnership for last 4 overs. Let us see how the second part of the innings goes. A cleaned him up, very first delivery, not the thing that KPM wanted. And half the side back in the pavilion. Now don't waste time on thinking what went wrong so far. Now for the remaining overs, you have to plan how to make that thing that has gone wrong into right position.
excuses don't give result. So from here you have to perform to put a defendable target for your bowlers. Let us see how the coming few overs goes for KPM. They are struggling at the moment. Lovely shot this time, a good fielding at the backward point. And seems like Gauresh Nagrekar confidence has suddenly boosted up, looking at Varun Aaron into the box here, because he had a photograph with him at the start of the match, and suddenly a confidence boosting for the youngster who is performing under his presence here. Again right up in the block hole, not providing any room for the batsman to free his arms. Wonderful bowling, and he's playing on his home ground. Another dot delivery. 1 point. He's bowled 1.4 over so far, just conceded 6 runs and picked up a wicket. Fantastic bowling so far. This time over pitching and played straight towards the long on region. Good fielding here by Ram Nagwekar. So we can see the best fielders guiding the boundary. Omkar Desai at the long off position. Amir Salgaonkar at the short extra cover. Oh, lovely ball, but trying to glide the ball towards the third man region. Chance of a run out at the non-striker's end. And up goes the finger. Wonderful piece of fielding. And see how quickly Gauresh realized that he need to go back to the non-striker's end to get rid of the wicket. Thank you, DJ. Vehicle GA03R6521 is blocking the passage. Just clear it. GA03R6521. Thank you. Score 23 for 5. 23 for 5. 23 for 6. Slight correction here. We saw how Prithvi Shaw performed in front of his home crowd against West Indies in his debut test match, cracking a century on the turn. And now here Gauresh performing in front of his crowd and bowling an outstanding spell. 2 overs, just 7 runs, and picking up a crucial wicket. And now at the final delivery, a run out to find his team in strong position. And this is the throw over. Sagar to bowl the throw over. All the fielders inside a 30-yard circle, as you can see. Chance of a catch, and up. Yes, exactly. First ball, and a batsman perishes here. The wickets are falling like pack of cards here. No partnership, but growing in confidence.
the lowest total of this tournament so far, 38 runs yesterday scored by Poonda Strikers, and we are almost just close to another lowest total. Let us see how the innings proceeds from here on. Another expensive shot attempted, wide signal coming from the umpire. A sigh of relief for the batting team because scoreboard gets a move with that extra. Score moves on to 24. Another swing and a miss. So trouble continues for the batsman here. They are not even able to rotate the strike. That is how deadly been the bowling of Pednem. What a strong comeback made by Pednem here. This is the must switch situation for both the teams. This time up in the air. Amir running for the catch. And just popping out of the hands on that occasion. And poor running, I will say. Just a single. You should take each and every run that is possible, because the runs are what it matters when you're batting first. He tries to pull it on the onside. Maddy, the fielder, Mahesh Baidkar, who is the change in this lineup. Another upcoming all-rounder for the Pednem region as well as for the Goan region. Man of the series at Pednem Premier League. This time top edge. Chance of another batsman biting the dust. And he pops it out. Seems like Omkar Desai, the fielder. We have seen plenty of catches going down. It's not easy because in daylight the background is white, and when floodlights comes on, the background already is dark, so not easy to get pick up the ball from the background. Another dot delivery, wonderful Dhruv over, getting finished here. Just 25 runs after 6 overs, 25 for 7, 12 balls remaining and 3 wickets in hands. Best Dhruv over which was bowled yesterday by Rajesh Sote for Wengurla Vipers. Dhruv over which was maiden and included a wicket. It's a pleasure for Dhruv to have Varun Aaron, the speedster of India, for this wonderful tournament. We are blessed to have you today at this function. I would thank you from the bottom of my heart for giving your precious time and valuable time for this tournament on the entire through the entire committee of Dhruv. Another wonderful catch here. Thanks for your precious time. Also, I would like to thank Sir Vinod Phadke for giving your valuable time towards this function.
11 balls and 2 wickets remaining. Another loud appeal and umpire nodding head vertically means a trouble signal for the batsman. Back to back wickets here. Can this be another hat trick? We have already seen Pravin Mandrekar picking up a hat trick. Poor batting performance this is for KPM under pressure. Now the new batsman, who is the last batsman walking out at the center, 10 deliveries remaining. He has to just think to face all the 10 deliveries, and the score on the scoreboard is just reeling at 25 for the loss of 9 wickets. So will this innings be shortened by bowling the opponents out? Shantaram Gawande requesting you to kindly report urgently in the commentary box. Shantaram Gawande. Amir Salgaonkar on a hat-trick. Chance of him to register the first hat-trick for Pednem. Sliding down the leg side. A loud appeal. Chance of a run out here. But the ball hasn't been collected. It was collected, but the batsman was safely in the crease. So the hat-trick opportunity is gone down and a run has been put on the scoreboard. Score moves on to 26 for the loss of 9 wickets. 9 balls still remaining. It's a big challenge now for this last wicket stand. Slower Yorker, very well disguised. Amir not chancing his arm because he don't want to concede another extra run. He wants to keep it as minimum as possible. Score just creeping like tortoise movement here. 27 runs on the scoreboard. This is all out. It's down and dusted here. The lowest total of the tournament, 27 runs. Swapnil Malik acting like Dhoni here.
चा निच्चांक 38 धावांचा आणि त्यानंतर गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या दोन्हीत अतिशय सुंदर कामगिरी नाणेफेक जिंकून या ठिकाणी करतोय पेडनेम टायटन्स क्रिकेट संघ. आणि बघूया या ठिकाणी एखादा चमत्कार मैदानात बघायला मिळतोय का. दुसऱ्या बाजूनं सलामीचे दोन या ठिकाणी सलामीवीर ओमकार देसाई आणि अनिकेत देसाई या ठिकाणी मैदानात जाताना दिसत आहेत. ओमकार देसाई आणि अनिकेत देसाई हे दोन फलंदाज डावी उजवी जोडी मैदानात. टोटल किती होईल 28 धावा एक कमी धावसंख्येचा सामना निच्चांकी सामना या ठिकाणी या स्पर्धेतील. केपीएम नाईट्स फलंदाजी अक्षरशः या ठिकाणी मैदानात डेपाळतोय आणि बघूया सामना कशा प्रकारे संपतोय. यापूर्वीचा सामना यापूर्वीचा सामना जो सावंतवाडी स्टार्स क्रिकेट संघानं दोन षटक बाकी राखत जिंकला होता. आक्रमक फटकेबाजी मैदानात बघायला मिळाली ती ताऊ कडनं जो 42 धावांची खेळी करून गेला मॅन ऑफ द मॅच ठरला. आणि त्यानंतर या सामन्या दरम्यान मात्र एक कमी धावसंख्येचा सामना मैदानात बघायला मिळतोय. बघूया गोलंदाजीत सुंदर कामगिरी पंचांचा इशारा येतोय. आमिर साळगावकर गोलंदाजी करतोय. दोन षटकात 5 धावा देतोय आणि 4 गडी बाद करतोय. आमिर साळगावकर अप्रतिम स्पेल टाकतोय. दोन षटकात फक्त 5 धावा आणि 4 गडी बाद करतोय तो आमिर साळगावकर डावखुरा गोलंदाज. या ठिकाणी स्वागत होतंय आदरणीय अजित मोरजकर आणि त्यांच्यासोबत शरद मांजरेकर यांचं स्वागत या ठिकाणी. शांताराम गवंडी आणि संदीप कांबळे स्वागत करतायत या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला आमच्या मान्यवर कक्षात. पहिला चेंडू बॅटची कड घेतो या ठिकाणी विकेट किपरच्या मागे जातोय चेंडू स्लिपच्या दिशेनं धाव काय मिळत नाही. पहिल्या षटकात गोलंदाजी टाकतोय तो या ठिकाणी प्रजेश उर्फ विकी आणि स्ट्राईकला डावकुरा फलंदाज अनिकेत देसाई आणि नॉन स्ट्रायकर एनला मुंबईचा स्टार खेळाडू ब्रँड अँबॅसिडर ओमकार देसाई हा नॉन स्ट्रायकर एनला. ओव्हर पिच चेंडू मोठा फटका टोलवायचा शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू हवे क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी चेंडूच्या खाली येतोय आणि अनिकेत देसाई आपलं खातं उघडत नाही या सामन्या दरम्यान. 28 धावा एक कमी धाव संख्येचा पाठलाग या ठिकाणी आणि 0 धावावर पहिला गडी हा बाद होतोय. सुदन ठाकूर हा नवीन फलंदाज मैदानात जातोय. हॅलो हॅलो कॉल गोज टू कॅप्टन ऑफ बिचोलीम प्लीज कम इन द कमेंट्री बॉक्स लास्ट कॉलर फॉर द कॅप्टन ऑफ बिचोलीम. बिचोलीम ब्लास्टर्स कॅप्टन लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. प्रजेश उर्फ विकी गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं आणि समोर आहे तो फलंदाज ओमकार देसाई. चांगला चेंडू एक सुंदर मनगटी फटका सिलिमेडॉनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय एक चोरटी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. आपलं खातं उघडतोय एका धावेनं एक गडी बाद एक अशी धावसंख्या 28 धावांचा पाठलाग करताना. प्रजेश उर्फ विकी नाईक आता जो आंतरराष्ट्रीय खेळाडू मैदानात येऊन गेला वरून नेमके तशीच ऍक्शन या ठिकाणी या गोलंदाजाची बघायला मिळते ती. प्रजेश उर्फ विकी राईट आर्म ओव्हर द विकेट सुंदर फटका या ठिकाणी पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करतोय चेंडूला कव्हरच्या दिशेनं. वरुण एरॉन हा एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू जसा सुरेश रैना आपल्याला खूप जवळून बघायला मिळाला तसाच वरुण एरॉन हा आणखी एक मोठा दिग्गज खेळाडू आणि याचं पूर्ण श्रेय दीपकजी कलंगुटकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी ध्रुव स्पोर्ट्सचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी सर्वांना या ठिकाणी नक्की द्यावं लागेल. पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न बॅटची कड घेतोय चेंडू ऑन साईडला या ठिकाणी स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय सहजगत्या एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरकतोय. 3 धावा एक गडी बाद 28 धावांचा पाठलाग करताना प्रेक्षकात सावंतवाडीहून आमचे मित्र महेश डोंगरे
इंग्लिश कॉमेंट्री मस्तपैकी करता ते महेश टोंगरे त्याचबरोबर सातारा येथून प्रवीण कवटणकर ऑफ स्टंपरचा चेंडू सुंदर फटका या ठिकाणी स्क्वेअर कट करतोय सुधांच्या बॅट मधून डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू सीमापार चार धावांसाठी महेश कॉमेंट्री करतात ते निलेश पारसेकर आपलं खूप खूप स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून स्कोर बोर्ड पर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन मैच को जीतने के लिए पेरनेम टाइटंस क्रिकेट टीम को डे नाइट का मुकाबला आज का दूसरा दिन रात का यह मैच और दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन ओवर पिच गेंद बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए सीमारेखा को पार करते हुए 6 रन के लिए साल के मामा हमारे साथ जुड़े हुए मामा जय भोसले हो तो गेंद तारामंडल में बोलते रात के वक्त बिल्कुल सही बात ओ बढ़िया गेंद इस बार रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे थोड़ी सी ब्लॉक कॉल में गेंद और विकेट के पर प्रथमेश पवार जो विकेट के पीछे बाकी का काम पूरा करते हुए 13 रन 28 रन का पीछा करते हुए जवाब देते हुए पेरनेम टाइटंस क्रिकेट टीम शॉर्ट गेंद और फिर से बढ़िया शॉट शॉर्ट के लिए जगह बनाई बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ फील्डर गेंद के पीछे और काफी अच्छा प्रयास जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते दो रन पूरे के इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने लक्ष्य बिल्कुल आसान सा तो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे दोनों बल्लेबाज शायद अनिकेत देसाई ने तुषार काफी जल्दबाजी की मैच में आगे निकले आड़े बल्ले से इस बार खेला गेंद ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन स्कोर के खाते में 16 रन 12 रनों की आवश्यकता एक कम टोटल का मैच इस ध्रुव ट्रॉफी 2018 का सुंदर शॉट बैकफुट पर जाकर लाजवाब शॉट ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ सुदन के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार शॉट बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए सुदन ठाकुर के बल्ले से शानदार शॉट हेलो रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर इन पर साफ इनकार किया मालूम है कि जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं रहेगी ओवर नंबर समाप्त होता हुआ दूसरा दो ओवर का खेल समाप्त और 28 रन का जवाब देते हुए दो ओवर के बाद टोटल स्कोर 20 रन 8 रन की आवश्यकता और कमेंट्री बॉक्स में राम गडेकर जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थैंक यू अशोक सर गेंदबाजी के लिए आता हुआ विकी और बल्लेबाजी के लिए बिचलिम ब्लास्टर अल्कोहल टेस्ट साठी यायचंय बिचलिम ब्लास्टर्स लास्ट कॉल फॉर बिचलिम ब्लास्टर्स हिट करने की कोशिश जब तक बॉल गेंद पर नहीं आते बिल्कुल लाजवाब गेंद बाकी का काम मात्र विकेट कीपर ने पूरा कर दिया गेंदबाजी के लिए विकी अपना काम संभालता हुआ 8 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए एक बड़ा मुकाबला इस रात के टाइम मैदान खचाखच भरा हुआ इस दर्शकों के साथ फिर एक बार विकी गेंदबाजी के लिए
रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद निकल पड़ी सीधे फील्डर के हाथ में, एक अच्छी फील्डिंग का मुजरा यहाँ पर दिखाई देता हुआ। जब तक फील करते तब तक एक रन मात्र मुकम्मल करते दोनों बल्लेबाज। अब बिल्कुल यहाँ पर लाज ऑफ शॉट, यहाँ पर ओमकार द्वारा, ओमकार देसाई बिल्कुल लाज ऑफ बल्लेबाज, यहाँ पर एक योजनादायक बल्लेबाज, एक गुणवान बल्लेबाज। फिर एक बार यहाँ पर सुधर, गेंद बिल्कुल लाजवाब गेंद, समझ नहीं पाया बल्लेबाज किस तरह की गेंद थी, चूके लाइन से बाकी का काम मात्र विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। विकेट अपनी बॉलिंग लाइन पर, मैदान खचाखच भरा हुआ इस रात के मौसम पर दर्शकों के साथ। अच्छा गेंद बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब गेंद, विकेट का यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस, टू ओवर 7 रन 6 विकेट इंक्लूडिंग 4 बॉल्स 4 विकेट्स ओवरसीज बादेश। बिल्कुल यहाँ पर विकी का लाजवाब काम, जहां जहां जाते हैं अपना ऑलराउंड परफॉर्मेंस बना के आते हैं, वही विकी फिर एक बार इस सुरेश रैना मैदान के भीतर दिखाई देता हुआ। एक बार तगड़ा प्रयास, मोड़ा तोड़ा हिला दिया, बकदोस का वागा ने सिक्सर मार ली वागा ने, बिल्कुल लाजवाब, ओमकार देसाई इन फायर, लाजवाब तारीफ करनी पड़ेगी इस बल्लेबाज की। इसके साथ इस मैच के विनर होते हुए फिर ने तारीफ करनी पड़ेगी इस दोनों बल्लेबाजों की।